हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं टीवाई बीकॉम सेम 5 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स और ये है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 1। जी हां, बस इतना पढ़ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन एकदम तगड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पहला आईएमपी आंसर करने वाले हैं। ये आंसर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर एनईपी क्यों नहीं कराया आपने, तो मैं समझता हूं ऐसा कि एनईपी बहुत ही इजी है, 3 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। एक बार जरूर आप पढ़ के देखिएगा, खुद ही आप समझ जाएंगे। फिर भी अगर नहीं आता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा। आज का वीडियो जो है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। शॉर्ट कोड और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारी छोटी सी YouTube फैमिली है 92,000 सब्सक्राइबर्स की, जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू एजुकेशन, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की यहां पर बात हो रही है। सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है, ऐसे तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार बहुत खर्चा करती है, मगर एजुकेशन के ऊपर, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए और क्या क्या योजनाएं सरकार ने लाई हैं, बस उसी से रिलेटेड ये आंसर है। बेसिकली भैया, अपने को यहां पर बहुत सारी योजनाओं को पढ़ना है और वो योजनाओं ने क्या क्या भला किया है लोगों का, कब वो लॉन्च हुई थी, बस उसी के बारे में लिखना है। यहां पर योजनाएं सभी जो है इस आंसर में वो एजुकेशन के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में भैया? एजुकेशन के संदर्भ में। और इसीलिए यहां पर एक छोटा सा इंट्रो है जहां आप समझ पाएंगे कि इंडिया इज द नेशन ऑफ यंग पीपल। 2011 के सेंसस के हिसाब से यूथ पॉपुलेशन जो है वो 15 से 24 का इंडिया में 19% है हमारी टोटल आबादी का, और साथ ही साथ 2020 की बात करें तो ये 34.33% तक पहुंच जाएगा। ये सारी बातें एक तरफ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मार्क करनी है यहां पर वो ये कि एजुकेशन इज द मोस्ट क्रूशियल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जी हां, ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन की अहमियत तो बहुत है। ये एक पावरफुल टूल है, इंपॉर्टेंट वेपन है दुनिया में आगे बढ़ने का, जीतने का जंगों को, और कहीं ना कहीं आपको तरक्की दिलाने का, और इसीलिए इस पर इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। एजुकेशन इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो इसीलिए बहुत जरूरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का अद्भुत होना, अच्छा होना एजुकेशन के संदर्भ में। तो उम्मीद करता हूं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि एजुकेशन जरूरी है और इसीलिए इसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बेहद जरूरी है। चलिए अब नजर डालते हैं आंसर के ऊपर कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारी सरकार ने क्या क्या किया है। क्वेश्चन का नाम है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू एजुकेशन। आंसर का नाम नो रिस्क, आंसर का नाम नो रिस्क, आंसर का नाम नो रिस्क, आंसर का नाम नो रिस्क। ये सारी योजनाएं हैं दोस्तों, कुल मिलाकर के टेक्स्ट बुक में आपको हो सकता है 10-12 योजनाएं दी हूं, मैं 8 पॉइंट निकाल करके लाया हूं जिससे आप आसानी से 8 पॉइंट्स लिख के मार्क्स कमा सकते हैं। जी हां, 8 ही पॉइंट्स लिखिएगा, उससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो रिस्क के अंदर सबसे पहले नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स, हां मिड डे मील्स, ये जो खाना पीना स्कूल में ही दे दिया जाता है ना सरकार की तरफ से, उसी के बारे में ये योजना है, मिड डे मील स्कीम। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम दूसरे प्रोग्राम की, तो एन में आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंटरी लेवल, तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो हमारी छोटी बच्चियां हैं एलिमेंटरी लेवल पर, उनके लिए जो पढ़ाई से रिलेटेड स्कीम है वो योजना है ये। इसके बाद अगर बात करें रिस्क, तो ये जो रिस्क है हमारा, यहां पर याद रख लीजिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, आर से दो हो गए, आई से दोस्तों यहां पर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो यह है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, यानी जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो थोड़े से विकलांग बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी एक इंक्लूसिव स्कूल होना चाहिए, ये कोशिश सरकार द्वारा की जाती है। इसके अलावा सुपर फेमस, सुपर डुपर फेमस, मतलब ये वीडियो में एक्चुअल में अगर मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई है तो वो है सर्व शिक्षा अभियान, जरूर इसको पढ़ना, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। जी हाँ, ऐसे सर्व शिक्षा अभियान, इसके अलावा साक्षर भारत, और आखिर में के से कस्तूरबा गांधी
बालिका विद्यालय। तो इस प्रकार से टोटल 8 पॉइंट का ये आंसर आपके लिए लेकर आ गया हूं। क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग एजुकेशन विद रेफरेंस टू एजुकेशन। एजुकेशन के संदर्भ में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा क्या होता है, इसका रोल। तो 8 पॉइंट आपके सामने, नो रिस्क। उम्मीद करता हूं आप सभी नोट डाउन करेंगे और लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हर पॉइंट को, हर स्कीम को, हर प्रोग्राम को, हर योजना को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, नो रिस्क के अंदर सबसे पहली योजना जो निकल करके आती है वो है एन से, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील। जी हाँ, मिड डे मील्स इन स्कूल्स, यानी स्कूल में ही बच्चों को खाना वगैरह मिल जाता है, मिड डे मील मिल जाती है। ये एक टर्म का खाना जो है ये बहुत उपयोगी साबित होता है गाँव में, रूरल एरियाज में, जिला परिषद जेडबी स्कूल्स के अंदर। और इसीलिए दोस्तों मैं समझता हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, यानी केंद्र सरकार द्वारा ये जो है स्पॉन्सर्ड है। मिड डे मील स्कीम was revised, universalized प्राइमरी लेवल, एट प्राइमरी लेवल यानी बच्चों के लिए ये स्पेशली किया गया था। सितंबर 2004 से इसे रिवाइज किया गया था, खास डेट याद रखिए। इट मेक्स अ प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग कुक्ड मील्स, बना हुआ खाना, टू चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल, यानी नगर पालिका, महापालिका, या हम कह सकते हैं जिला परिषद की स्कूलों में जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए ये मिड डे मील स्कीम खास तौर पर लाई गई। तो ये आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन से रिलेटेड पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, नो रिस्क में नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स। बात करें दोस्तों, इट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन इंक्रीजिंग स्कूल एनरोलमेंट एंड स्कूल अटेंडेंस एज वेल। तो ये पहला इंपॉर्टेंट स्कीम एजुकेशन से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे, दूसरे स्कीम की बात करें दोस्तों, तो ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। याद रखिए, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंटरी लेवल, या छोटी बच्चियों के लिए है ये, और बेहद जबरदस्त है। दिस प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड इन जुलाई 2003, और खासियत यह है कि इट एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स। जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डिसएडवांटेज्ड गर्ल्स हैं, उन्हें समान मौका, समान अवसर पढ़ने का मिले, ये कोशिश इस प्रोग्राम द्वारा की गई है। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप मॉडल स्कूल इन एवरी क्लस्टर विथ मोर इंटेंस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ गर्ल्स एनरोलमेंट इन स्कूल। क्योंकि कई जगहों पर आज भी मुसीबत देखी जाती है कि यार लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल तक पहुंचने नहीं दिया जाता, स्कूल में जाने को अलाउड नहीं होता। ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम ये योजना करती है, जहां पर लड़कियों को सुपरवाइज किया जाता है, देखा जाता है कि यार स्कूल में आ भी रही हैं या नहीं, मौका दिया जा रहा है या नहीं, परिवार वाले भेज रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें जो है इस योजना के तहत होती हैं। तो एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ये दूसरी योजना। बात करें दोस्तों नो रिस्क के अंदर आर से क्या है, तो भैया आर से है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ MHRD, ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है इसकी ये जबरदस्ती स्कीम है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2009 और ये एक्सेस इंप्रूव करता है सेकेंडरी एजुकेशन का और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। तो ये माध्यमिक शिक्षा जो है ये सेकेंडरी एजुकेशन को जो है सुधारता है, इंप्रूव करता है, क्वालिटी एनहांस करने की कोशिश करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम आर टू अचीव एन एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 75% फॉर क्लासेस 9th and 10th विद इन 5 years। मकसद क्या है, मकसद बड़ा सिंपल है कि यार जो 9वीं 10वीं तक पढ़ने वाले छात्र हैं ना, उनकी संख्या इंप्रूव करनी है, इंक्रीज करनी है। कई लोग जो है 7वीं 8वीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं, सरकार फ्री में पास कर रही है ना 7वीं 8वीं तक, तो वहां तक पढ़ के छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद साला पढ़ते ही नहीं है। तो 9वीं 10वीं का एनरोलमेंट भी बढ़ाया जाए, सभी बच्चों को प्रेरित किया जाए, ये कोशिश इस स्कीम द्वारा सरकार करती है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार करने की कोशिश आर से, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। बात करें दोस्तों नो रिस्क के अंदर आगे, तो अगला पॉइंट भी आर से निकल करके आता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। उच्चतर बोला मन जो रूसा याद रखिए, यहाँ पर यह भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है भाई। और याद रखिए 2013 में यह लॉन्च की गई थी। It aims at providing funding to eligible state higher educational institution, संस्थाओं को, universities को ये grant देने का काम करती है, कहीं ना कहीं उन्हें support करने का काम करती है, नई universities आए, लोगों को higher education प्राप्त करने का प्रेरणा मिले, motivation मिले, ये कोशिश। तो माध्यमिक शिक्षा अभियान में क्या था, वहां पर secondary education के बारे में था, यहां पर higher level education degrees के बारे में है। तो दोनों योजनाएं अलग हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंदर 9th 10th के बारे में था, और यहां पर उच्चतर, नाम से
ही बता देता है उच्चतर बोले तो हायर लेवल, डिग्री लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल। तो यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस, न्यू प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू यूनिवर्सिटीज की बात होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसानी से आप ये पॉइंट भी समझ गए होंगे। नो रिस्क के अंदर आगे बढ़े तो आता है आई से जबरदस्त सा योजना, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेजेस। जी हाँ, डिजेबल्ड बच्चे, वो बच्चे जो वंचित हैं, वो बच्चे जो अपंग हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उन बच्चों को समान अवसर मिले, उन्हें भी इंक्लूजन मिले, उन्हें भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ये कोशिश ये योजना के जरिए करने की कोशिश की है सरकार ने। द स्कीम वॉज लॉन्च इन 9 and 10 2009-10, रिप्लेसिंग द अर्लियर स्कीम, पहले भी एक स्कीम थी उसको रिप्लेस किया गया, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन नाम की स्कीम थी, उसको बदल करके सरकार ने सोचा इसको और फंडिंग करते हैं, सेंट्रल असिस्टेंस देते हैं और 9वीं से 12वीं तक का एजुकेशन जो है वो डिजेबल्ड को दे सकें। इसके लिए कोशिश करते हैं लोकल बॉडी हो, महानगर पालिकाएं, सरकारी स्कूल्स हो, इन सब जगहों पर इन बच्चों को पढ़ाया जाए। द एम ऑफ द स्कीम इज टू फैसिलिटेट कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी जो ऐसे डिजेबल्ड चाइल्ड हैं जो बीच में ही एजुकेशन छोड़ देते हैं, आगे तक कंटिन्यू नहीं करते, 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा भी हासिल कर सकें, उसकी फैसिलिटी यहां पर इस स्कीम के द्वारा दी जाती है स्पेशल नीड्स वालों को। द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, सुनने वगैरह की प्रॉब्लम है तो वैसे डिवाइसेस दी जाते हैं यहाँ पर, हेल्पर्स दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल वगैरह रहने की सुविधाएं, लर्निंग मटेरियल दिया जाता है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इट इज नाउ सब्ज्यूम्ड अंडर RMSA, तो ये शिक्षा अभियान जो माध्यमिक था उसी में इसे भी एड अप कर दिया गया। तो इस प्रकार से दो आर हमने अभी अभी पढ़े, राष्ट्रीय जो माध्यमिक शिक्षा अभियान था उसमें ये इंक्लूड कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है ये है एस से सबसे फेमस पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान। जी हाँ, राइट टू एजुकेशन नाम से फेमस है और मुझे ऐसा लगता है यार ये शॉर्ट नोट वगैरह में आ जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, एकदम लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान मस्त पॉइंट है, मस्का पॉइंट है, मोदी जी की देन है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी, मोदी जी, ये सब ने सर्व शिक्षा अभियान पर बहुत जोर दिया, कहीं ना कहीं प्रमोट किया इसको, ताकि एकदम लोअर लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक हर बच्चे को एजुकेशन मिले, हर बच्चा जो है वो पढ़ाई कर पाए, स्कूल जा पाए और एजुकेशन को हासिल कर पाए, जो चाइल्ड लेबर वगैरह की समस्या है वो दूर हो सके। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान नाम से ही कहता है सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी का अभियान है ये, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल। फ्री एजुकेशन दिया जाता है इसमें फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स, ये इसका हाईलाइट है बॉस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में फिट कर लेना। 6 साल से 14 साल के बीच जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री एजुकेशन। बात करें यहां पर दोस्तों ये एक फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित कर दिया गया है RTE एक्ट 2009 में, तो यार सबका अधिकार ही है, छीना नहीं जाना चाहिए। द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी कंपलसरी दैट एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सैटिस्फैक्ट्री एंड इक्विटेबल क्वालिटी इन अ फॉर्मल स्कूल विच सैटिस्फाइज सर्टन एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। तो कहीं ना कहीं हर बच्चे का यह अधिकार है कि उसको पढ़ने का मौका मिले, चांस मिले, एक अच्छी क्वालिटी का उच्च दर्जे का शिक्षण उसको हासिल हो। दोस्तों यही है सर्व शिक्षा अभियान, ये लॉन्च हुआ था 2001-2002 में, उसके बाद जो है इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट गोल था, अलग अलग राज्यों में से इंप्लीमेंट किया गया। इट एम्स एट इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 साल। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनकर के सामने आता है सर्व शिक्षा अभियान। उम्मीद करता हूं दोस्तों नो रिस्क में ये एस से जो पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान आप लिख करके जरूर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, एस से एक और योजना, साक्षर भारत योजना। याद रखिए साक्षर भारत, अडल्ट एजुकेशन की जब बात होती है तो याद रखिए हर एक लिटरेट बनना चाहिए, इंडिया में लिटरेसी की रेट बढ़नी चाहिए, यही कोशिश रही है हमेशा से। द नेशनल लिटरेसी मिशन was recast as साक्षर भारत, और साक्षर भारत was launched on 8th September 2009. The main program of NLM includes, पहला तो program था total literacy campaign, ज्यादा से ज्यादा लोगों को basic literacy यानी लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए, और to the non-literates, इसके अलावा post literacy program यानी पढ़े लिखे होने के बाद reinforcement, उनमें literacy skills आनी चाहिए और non-literates को और ज्यादा benefits मिलने चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने का जो है actual ज्ञान आना ही चाहिए। इसके अलावा
जो तीसरा प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें याद रखिए, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइफ लॉन्ग एजुकेशन टू द कम्युनिटी एट लार्ज। तो यार याद रखिए कि कई लोग बीच में से छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते एजुकेशन को। तो ये जो पॉलिसी है हमारे साक्षर भारत के अंदर, ये एजुकेशन कंटिन्यू करवाए उसमें हेल्प करती है, ज़्यादातर कम्युनिटी के लोगों तक इसको पहुंचाती है। तो ये था हमारा साक्षर भारत। एस से बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर, तो ये है के से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नाम से ही दोस्तों ये बालिका विद्यालय कहा गया है, मतलब ये इतनी भलाई से, इतनी नेक नियत से बनाया हुआ योजना है सरकार द्वारा कि यार बच्चों को, छोटी लड़कियों को पढ़ने का समान अवसर मिले, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले, उसी के लिए स्पेशल स्कूल। दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन जुलाई 2004 टू सेटअप रेसिडेंशियल स्कूल एट एलिमेंट्री लेवल फॉर गर्ल्स। ये लड़कियों के लिए स्कूल बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी स्पेशल है ये बॉस, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी माइनॉरिटीज की जो लड़कियां हैं जिन्हें पढ़ने का कभी अवसर समान नहीं मिल पाया उनके लिए ये स्कीम बनाई गई। इट इज इंप्लीमेंटेड इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स, जो भी ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पर दलितों का, जहां पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का बसेरा है, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें हैंड होल्ड करके हम ऊपर लाए एजुकेशन के माध्यम से, ये कोशिश रही है। Yes, where rural female literacy is below 30%, वहां पर ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। In selected urban areas where female literacy is below the national average, it is funded on cost sharing basis between center and the states. यानी इसका खर्चा सेंटर और स्टेट्स जो है दोनों ही उठाते हैं। दोस्तों 75-25 का यूजुअली इनका रेशियो रहा है। देर आर द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इज इन 28 स्टेट्स, 28 राज्यों में है और कई यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी इनका समावेश होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुल मिला करके 8 इंपॉर्टेंट योजनाओं को देख लिया। ये है अपना आज का क्वेश्चन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विथ रेफरेंस टू एजुकेशन। आंसर का नाम नो रिस्क, और नो रिस्क के अंदर सबसे पहले नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील्स, दूसरा नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, आर से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आर से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और आखिर में दोस्तों रिस्क के अंदर आई से इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, याद रखिए सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत, और आखिर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिएगा और एकदम कड़क प्रिपरेशन को अपने बनाइएगा, और मेहनत से, जी हां मेहनत से आगे बढ़ना है, कोई शॉर्टकट हमें नहीं ढूंढना है, हम जितना प्रिपेयर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा जो है आंसर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आंसर का समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्री। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।